नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं UTIITSL की वेबसाइट पर ऑनलाइन ई पैन कैसे डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी UTIITSL के द्वारा अपना पैन कार्ड बनाया है और अभी आपके पास पैन कार्ड नहीं है या खो गया है, तो आप भी ऑनलाइन ई पैन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपके पैन कार्ड से आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिंक रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ई पैन कैसे डाउनलोड करते हैं जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और हम चलते हैं गूगल के क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं UTIITSL का ऑफिशियल साइट। तो दोस्तों, अगर आपको साइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रख देंगे, आप वहाँ पर भी डायरेक्टली जाके अपना ई पैन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए हम ओपन कर लेते हैं ऑफिशियल साइट और देखते हैं अपना ई पैन हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम UTIITSL का ऑफिशियल लिंक ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो हम इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे सामने दिख जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैन कार्ड सर्विस का ऑप्शन है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम पैन कार्ड सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें पैन कार्ड सर्विस के पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देता है। तो पैन कार्ड सर्विस का जो पोर्टल है दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिखता है। तो हम दोबारा से इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं। जैसे ही दोस्तों हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो देखिए राइट साइड में डाउनलोड ई पैन का ऑप्शन दिख रहा है। अगर हमें ई पैन डाउनलोड करना है तो हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम इसे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम डाउनलोड ई पैन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पैन मांग रहा है पैन नंबर, तो हम यहाँ पे अपना पैन नंबर इंटर कर लेते हैं। और नीचे दोस्तों मंथ और ईयर का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो हम यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है और ईयर यहाँ पर डाल देते हैं और कैप्चा फिल कर लेते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, हमें डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन पर हमें सिर्फ मंथ और ईयर ही मेंशन करना है, डेट हमें मेंशन नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों, कैप्चा फिल करने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ओपन हो जाती हैं, जैसा कि हमारा पैन नंबर और पैन नंबर से जो लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमारे सामने शो होने लगता है। दोस्तों, हम इसे अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को कि हमारे पास ये अवेलेबल है या नहीं। अगर ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमारे पास दोस्तों अवेलेबल नहीं है तो हम ई पैन डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने चेक कर लिया है तो हमारा ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम कैप्चा प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। OTP के लिए दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो है ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब अगर हमें ईमेल पर चाहिए तो ईमेल सेलेक्ट करना है, अगर SMS पर चाहिए तो SMS सेलेक्ट करना है, अगर हमें दोनों पर चाहिए तो हमें बोथ ईमेल एंड SMS सेलेक्ट कर लेना है और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो हम भी दोस्तों यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम सेंड OTP पर क्लिक करते हैं, जैसा कि हमने अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया था, तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ जाता है। तो OTP यहां पर दोस्तों हम प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। OTP फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेमेंट गेटवे का जो विंडो है वो ओपन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर हमें ई पैन डाउनलोड करना है तो हम उसके लिए दोस्तों हमें ₹8.28 का पेमेंट करना होता है। तो चलते हैं दोस्तों, हम ये ₹8.28 का जो ऑनलाइन पेमेंट है इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मेंशन कर लेते हैं। दोस्तों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों दो पेमेंट गेटवे है, PayU और एक दूसरा भी ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके हमें पेमेंट करना होगा। तो चलते हैं दोस्तों, तो हमें जैसा PayU का नॉलेज है क्योंकि रेगुलरली हम लोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए इसी का सिलेक्शन करते हैं, तो हम PayU का ही सेलेक्ट कर लेते हैं।
सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे हम कंफर्म पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो हम इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमें UPI से पेमेंट करना है तो हम UPI के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अब UPI के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें पेटीएम से पेमेंट करना है तो हम पेटीएम पे क्लिक करके अपना UPI ID यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने अपना UPI ID मेंशन कर लिया है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे UPI ID पे जो भी नाम है वो सामने हमारे शो हो जाता है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टर्म्स एंड कंडीशन एग्री है तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पेटीएम के ऐप पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है 8.26 रुपये पे करने का, तो हम उसे ओपन कर लेते हैं और सक्सेसफुली अपना पेमेंट कर देते हैं। जैसा कि हमने अपना पेटीएम पर पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है तो ये देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है पेमेंट। जैसे दोस्तों हमने पेमेंट किया तो ये देखिए बैक हो गया, तो कुछ एरर की वजह से बैक हो गया है। मगर दोस्तों इसके लिए हमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें दोबारा इसके लिए पेमेंट करना नहीं होगा। दोस्तों जैसे ही हम पेमेंट सक्सेसफुली कर देते हैं तो हमारे मोबाइल और ईमेल पर SMS द्वारा ePAN डाउनलोड करने का लिंक भेज दिया जाता है। तो चलते हैं हम उसे पहले चेक कर लेते हैं। जैसा कि हमारे मेल पर मैंने रिफ्रेश किया तो अभी हमारे मेल पर कोई मेल नहीं आया है और मोबाइल पर भी दोस्तों अभी कोई SMS नहीं आया है। तो चलते हैं हम उसे बैक कर लेते हैं और दोबारा से UTIITSL के साइट पर डिटेल फिल करके देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले जैसा डिटेल दोबारा से फिल कर लेते हैं, जैसा कि पैन नंबर, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ मेंशन करके कैप्चा फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें दोबारा से पेमेंट तो नहीं करना होगा, तो हम यहाँ पर अपना जो कैप्चा दिख रहा हो उसे प्रॉपरली फिल करके, तो अब की बार दोस्तों हम यहाँ पर बोथ SMS एंड ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक करके गेट OTP पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही हम गेट OTP पर क्लिक करते हैं तो हमारे मेल ID पर और SMS पर दोनों पर OTP आ जाता है। तो हम यहाँ पर दोनों का जो OTP है अलग अलग वो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद दोस्तों दोबारा से हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल पर SMS के द्वारा लिंक भेज दिया गया है, मतलब PDF भेज दिया गया है। तो वहाँ चलते हैं हम दोस्तों, हम अपना मेल ID ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो जैसा कि दोस्तों हमारे यहाँ पर देखिए UTIITSL का मैसेज आ चुका है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए जो PDF आया है दोस्तों उसका पासवर्ड हमारा डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर नीचे देखिए PDF आ गया है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम ओपन करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के ओपन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने देखिए ePAN का जो PDF है ओपन हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद ये जान ही चुके होंगे कि ePAN कैसे डाउनलोड करते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं किसी और वीडियो में।